हेलो एवरीवन, जेएनसी जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। सभी को गुड मॉर्निंग। वर्षा यादव, रचना पटेल, वंदना, पूजा, संध्या, रवि रॉय, संगीता पाल, पूजा पाल, राम प्यारी, रणधीर, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आ तो मैं कब कह गया था, लेकिन आई थिंक टेक्निकल इश्यू था। दो क्वेश्चन करवा चुका था मैं, पर आप मेरी आवाज़ आप लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। हाँ, मैं बिल्कुल टाइम से ही गया था। अभी मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों तक? विजिबल हूँ मैं? सोनम पांडे, राधे राधे, निर्मला वेरी गुड मॉर्निंग, पायल प्रजापति, रिवा सिंह, वी मिस यू टू, रीना दांगी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं फिर सेशंस को, ऑलरेडी हम थोड़ा डिले है। चलो तो जो लोग एनम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक इस कोर्स को परचेज नहीं किया, उनके लिए बिल्कुल नाम मात्र शुल्क के अंदर, मात्र 1650 रुपए के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है। फुल HD रिकॉर्डेड वीडियो के साथ में कंप्लीट थ्योरी प्लस यूनिट वाइज टेस्ट अवेलेबल है। इस कोर्स की वैलिडिटी जो है 6 मंथ की है। अगर कोई इस कोर्स को परचेज करके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो 9636032691 पे फोन पे या पेटीएम करके पेमेंट की स्लिप जो है वो सेंड कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे, और उसके अलावा जीमेल ID एंड फोन पे नंबर सेंड, फोन नंबर सेंड करके इस कोर्स को एक्टिवेट करवा सकते हैं और फिर बाद में इस क्लास को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई क्लिक्स जो 11th 12th के अंदर है या आने वाले हैं या नीट फाउंडेशंस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एडमिशंस ओपन है, रजिस्ट्रेशंस ओपन है। अपना रजिस्ट्रेशंस कंफर्म करवा सकते हैं पहले से। स्कूल अवेलेबल है, स्कूल करना चाहता है कोई, स्कूल और प्लस कोचिंग दोनों करना चाहता है दोनों अवेलेबल है, कोई हॉस्टल में रहना चाहता है हॉस्टल भी अवेलेबल है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। कोचिंग और अलग, कोचिंग और स्कूल भी कोर्सेज दोनों अलग अलग है, दोनों साथ में भी ले सकते हो। उसके साथ स्पेशल डिस्काउंट भी अवेलेबल है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी सीट को सुनिश्चित करें। हम पढ़ रहे थे प्लासेंटा और स्टार्ट करते हैं। अपन पढ़ रहे थे प्लासेंटा और आज अपन पढ़ने वाले प्लेसेंटा की अबनॉर्मलिटीज के बारे में। चलो आज के सेशंस का पहला MCQ, इन विच कंडीशंस द अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ प्लासेंटा। किस स्थिति में गर्भनाल प्लासेंटा के मार्जिन से जुड़ी होती है? ऑप्शन ए बैटल डोर प्लासेंटा, ऑप्शन बी सर्कमवेलर प्लासेंटा, ऑप्शन सी प्लासेंटा मेम्ब्रेन, एंड ऑप्शन डी विलामेंटस प्लासेंटा। आंसर कीजिएगा। कुमारी दीपा वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू रिवा। क्लास पे फोकस कीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। राम सिंह वेरी गुड मॉर्निंग, आपके आंसर का इंतजार। संजीव राजपूत, शिवांगी पटेल, खुशबू सिंह, अर्चना पटेल, सोनम पांडे, प्रेमता फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, शिवांगी पटेल, पूजा पाल, राम सिंह, सुबोधर राजपूत, निर्मला, पूजा सरोज, पूजा, कंचन कुमारी, कमला पटेल वेरी गुड मॉर्निंग, प्रतीक मिश्रा, जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं सभी का आंसर आना चाहिए। कुछ लोग हो सकता है पुराने वाली स्ट्रीम पे हो तो उनको बोल दीजिएगा, स्ट्रीम नई स्टार्ट हो चुकी है उसमें कोई टेक्निकल एरर था। ऐसा नहीं है दीपा आप ध्यान नहीं देते हो, आपका नाम बहुत पहले ले चुका था। सभी का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये सपोज मैं मानू ये प्लासेंटा है और इस प्लासेंटा का ये मार्जिन वाला पोर्शन किनारों पे, या किनारों पे कौन अटैच है, आपकी कोड अटैच है, कौन सी कोड,
अम्बलाइकल को। इस कंडीशंस वाली नॉर्मली कोड अटैच कहाँ रहनी चाहिए, सेंटर में अटैच रहनी चाहिए, कहाँ पे रहनी चाहिए, सेंटर में। लेकिन ये कोड कहाँ पे अटैच है, मार्जिन पे अटैच है, किसके, प्लासेंटा का। ये कौन है, प्लासेंटा है। ऐसी कंडीशंस को किस नाम से जानते हैं, ये प्लासेंटा का कौन सा टाइप है, ये क्वेश्चन पूछा है। क्लास ही नहीं मिल रही थी, कोई इश्यू नहीं है, अब मिल गई, बिल्कुल संध्या, जेएनसी है तो क्वालिटी है, भरोसा है, सेलेक्शंस है, थैंक यू बिलीव करने के लिए। तो बिल्कुल मैक्सिमम लोगों का करेक्ट आंसर है। सर 3 दिनों से क्लास बनती, बिल्कुल बनती, होली वेकेशन था, चलो। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बैटल डॉर प्लेसेंटा, ए करेक्ट आंसर है। जब क्या, ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ये जब मार्जिन से अटैच होती है तब वो क्या कहलाता है, बैटल डॉर प्लेसेंटा कहलाता है। वहीं देखिएगा एक आपके पास ऑप्शन है विलेमेंटस प्लेसेंटा। विलेमेंटस प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है उस प्लेसेंटा के बाहर की जो मेम्ब्रेन है, बाहर की जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन से आपकी कोड अटैच है। कहां से, उस मेम्ब्रेन से कोड अटैच है। तो जब मेम्ब्रेन से कोड अटैच रहती है तब उसको हम किस नाम से जानते हैं, प्लेसेंटा विलामेंटस, क्या बोलते हैं इसको, विलामेंटस के नाम से जानते हैं। जब वो कहां से अटैच होती हो, मेम्ब्रेन से। मेम्ब्रेन और मार्जिन एक नाम का ही फर्क है और एक नाम में क्वेश्चन बदल जाता है, आंसर बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं। चलो नेक्स्ट देखिएगा, बिल्कुल वी मिस यू टू, फोकस कीजिएगा। उसके अलावा सर्कमवेलेट प्लेसेंटा का मतलब क्या है, तो सर्कमवेलेट प्लेसेंटा का मतलब क्या है, जो प्लेसेंटा है उसके किनारों पे डबल लेयर की क्या बन जाती है, एक फाइब्रस रिंग बन जाती है, क्या बन जाती है, एमनियन एंड कोरियन की फाइब्रस रिंग बन जाती है, उसको हम किस नाम जानते हैं, सर्कमवेलेट प्लेसेंटा के नाम से। और मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा मेम्ब्रेन के टाइप हो जाता है, प्लेसेंटा उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो सर हम लाइव बैच देख रहे हैं और नोटिफिकेशंस का वेट कर रहे थे, पता चला न्यू स्ट्रीम स्टार्ट हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कमला, कोई इश्यू नहीं है, फोकस कीजिएगा आप, टेक्निकल इश्यू कई बार हो जाता है। अगला क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों किस तरीके से दिखते हैं। तो बैटल डोर प्लेसेंटा का क्या मतलब है कि द कोड इट अटैच टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा का ये मार्जिन है और इस मार्जिन पे इस कोड का अटैचमेंट, ये क्या कहलाता है, बैटल डोर प्लेसेंटा कहलाता है। कई की बार एग्जाम में इमेज देके भी पूछे तो आपके पास इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, किस में, एक ये और दूसरा ये, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो ये देखो मेम्ब्रेन से अटैच है, देखिएगा ये मेम्ब्रेन से अटैच है और ये मार्जिन से अटैच है, फर्क है दोनों में, मेम्ब्रेन और मार्जिन। तो बैटल डोर किसे कहेंगे, जब कोड किससे अटैच होगी, मार्जिन से अटैच होगी, किसके, प्लेसेंटा के। दूसरा है विलेमेंटस प्लेसेंटा, द कोड इज अटैच टू द मेम्ब्रेन, ये देखिए मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, विलेमेंटस प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है। आदित्य सिंह वेरी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल। नेक्स्ट एक होता है वैसा प्रिवा। वैसा प्रिवा का मतलब क्या होता है कि कोड इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, कहने का मतलब क्या कि जब कोड नीचे की तरफ रहती है, जब बेबी का हेड बाहर की तरफ डिलीवर होता है उससे पहले अम्बिलिकल कोड आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, वैसा प्रिवा। मतलब क्या कि बच्चा बाहर आना चाह रहा लेकिन अम्बिलिकल कोड कह रही है आप रुको पहले मुझे जाना है, कहने का मतलब क्या कि जब बेबी का हेड डिलीवर होता है उससे पहले अम्बिलिकल कोड जो है वो बाहर दिखना शुरू हो जाए, उसको अपन ने क्या बोला, वैसा प्रिवा, वो बाहर प्रेजेंट होता है। कोड इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट द कंडीशंस कॉल्ड रैप्चर मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स के रैप्चर होने को जो सोचता है, इनवॉल्विंग द ओवरलाइंग वेसल्स लीड टू द वेजनल ब्लीडिंग, और उस वजह से वेजनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। और ये जनरली ब्लड कैसा होता है, फीटल ब्लड होता है, जनरली कैसा होता है, फीटल ब्लड। जैसे आपको एक मतलब समझना है कि वैसा प्रयोग का मतलब क्या होता है, तो जब हेड का प्रेजेंटेशन बाहर की तरफ जब आ रहा है तब उससे पहले क्या क्या आना, अम्बिलिकल कॉर्ड का वेसल्स का पहले की तरफ दिखाई देना। चलो नेक्स्ट, तो आई थिंक इन दोनों के बारे में आपको समझना मस्ट है, इन दोनों का आपको सेपरेट करना, इनका आंसर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द कोड दैट इज इंसर्टेड इनटू द मेम्ब्रेन्स सम डिस्टेंस फ्रॉम द इज ऑफ द प्लेसेंटा इज,
नाल के किनारे से कुछ दूरी पर झिल्लियों में डाली जाने वाली नाल क्या कहलाती है? ऑप्शन ए विलामेंटस इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का विलामेंटस इंसर्शन। ऑप्शन बी बैटल डोर इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड एंड ऑप्शन सी है सक्शन जुरेटा प्लेसेंटा एंड ऑप्शन डी है सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। आंसर कीजिएगा, और ये तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए। कोड का पहले आना बिल्कुल शिवांगी। मेम्ब्रेन से अटैच होना बिल्कुल विलामेंटस प्लेसेंटा। आंसर कीजिएगा कि यहां पे जो कोड इंसर्ट हो रही है वो थोड़ी दूरी से। थैंक यू दीपा। क्या होगा इसका आंसर? थोड़ी दूरी पे मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है, थोड़ी डिस्टेंस से रहती है प्लेसेंटा से, और आई थिंक ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्यों? जस्ट पीछे एक्सप्लेन किया इसको। अभी भी अगर किसी का गलत होता है तो बहुत गड़बड़ है, इसका मतलब उसका ध्यान क्लास पे नहीं, ओनली एंड ओनली कमेंट पे है। तो कमेंट की दुनिया से बाहर निकल गया हो। किसको लॉक किया जाए जल्दी बताओ। शर्मिला यादव, पूजा सरोज, पूजा पाल, सोनम पांडे, पायल प्रजापति, रीवा सिंह। बहुत अच्छे। तो आपने अभी जस्ट बोला था कि जो प्लासेंटा है, इस प्लासेंटा की जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन से अगर क्या हो जाए, कोड अटैच हो जाए, उस मेम्ब्रेन से क्या हो, कोड अटैच हो, तो कह रहा है थोड़ी डिस्टेंस पे, किनारे से थोड़ी डिस्टेंस पे अगर मेम्ब्रेन से अटैच हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं विलामेंटस इंसर्शन ऑफ द कोड। बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है यहां पे, एक करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ए राइट है। चलो इसके अलावा बी के बारे में पढ़ चुके हैं कि अगर वही ये इंसर्शन कहां पे होता, यहां पे मार्जिन पे होता, तो हम क्या बोलते इसको? बैटल डोर बोलते। सक्शन चूरा प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है कि ये जो प्लेसेंटा है इसके एक से अधिक लोब होना, और एक लोब ऐसा होना दूर की तरफ लोब होना, लेकिन उस वो अटैच रहना, वो क्या रहना? अटैच रहना, उसके बीच में कम्युनिकेशन रहना, उसके बीच की ब्लड सप्लाई प्रेजेंट रहना, वो क्या कहलाता है? सक्शन चूरिटा। क्या कहलाता है? सक्शन चूरिटा। मतलब क्या? कि प्लेसेंटा का एक और लोब होना, एक और पार्ट होना, लेकिन वो ब्लड सप्लाई से क्या रहना? कनेक्ट रहना, अटैच रहना, वो क्या कहलाता है? प्लेसेंटा सक्शन चूरिटा। और अगर इसके बीच में लोब तो है पर कम्युनिकेशन नहीं है, और कम्युनिकेशन नहीं है, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा स्पूरिया, स्पूरिया के नाम से जाना जाता है। सर्कमवेलेट के बारे में बता चुका हूं आप लोगों को कि थिक फाइब्रस रिंग बन जाती है डबल फोल्ड की, एम्ब्रियन और कोरियन की, उसको हम क्या कहते हैं? सर्कमवेलेट प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, तो एक करेक्ट आंसर है। यहां पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा किस तरीके से दिखता है। तो प्लेसेंटा सक्शन चूरिटा हमने जस्ट अभी पढ़ा था। सक्शन चूरिटा का मतलब क्या होता है? देखिएगा कि एक्स्ट्रा वन यूजुअल एंड मोर देन स्मॉल लोब, एक्स्ट्रा लोब हो जाना, हो सकता है एक छोटे छोटे लोब्स और प्लेसेंटा कैसी साइज के? कॉटिलेडोन्स की साइज के। हमने कहा था कॉटिलेडोन्स क्या होता है? तो प्लेसेंटा के अंदर देखा था फंक्शनल यूनिट के रूप में हल्के हल्के जो पार्ट दिखाई दे रहे थे, हमने क्या बोला था? कॉटिलेडोन्स बोला था। और ये कॉटिलेडोन्स के जैसे साइज का, इस जैसे ये प्लेसेंटा मेन है, इस प्लेसेंटा मेन साइड से दूर की साइड एक और लोब का प्रेजेंट होना, और ये क्या कहलाता है? सक्शन चूरेटा लोब कहलाता है। क्या कहलाता है? सक्शन चूरेटा प्लेसेंटा। इसके बीच में कम्युनिकेशन प्रेजेंट होना चाहिए, तब क्या कहलाता है? सक्शन चूरेटा। अगर ये कम्युनिकेशन, अगर ये ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं, एब्सेंट है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा स्पूरिया। देखिएगा, तो इन केस अब्सेंस ऑफ द कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स, कहने का मतलब क्या कि लोब तो एक्स्ट्रा है, मेन प्लेसेंटा ये था, लोब तो एक्स्ट्रा है पर बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तब क्या कहलाएगा? प्लेसेंटा स्पूरिया। क्या कहलाएगा? प्लेसेंटा स्पूरिया। इसको अपन कह सकते हैं नकली प्लेसेंटा। क्या कह सकते हैं? नकली, क्योंकि कनेक्शन तो कुछ भी है नहीं। बिल्कुल, लोब अलग बनता है, आपस में कोई कनेक्शंस नहीं होता। सर्कमवेलेट में बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट डिप्रेस होता है, किनारों की तरफ क्या ज्यादा थिक बन जाएगी। कॉमन सी बात है कि एक प्लेन सरफेस थी, इस प्लेन सरफेस के साइड में क्या बन गई? एक मोटी, पतली नहीं, मोटी फाइब्रस रिंग बन गई। और जब ये रिंग बन गई तो सिंपल सी बात है, जब किनारों से आपने किसी चीज को, किनारे को बड़ा कर दिया, तो सेंटर वाला पार्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिप्रेस हो जाएगा। और सर्कमवेलेट में सेंटर वाला पार्ट क्या रहता है? डिप्रेस रहता है। बिल्कुल, तो दो देखिएगा, सक्शन चूरिटा और प्लेसेंटा स्पूरिया में फर्क क्या है, इस बात को आपको समझना है। डायग्राम में कुछ इस तरीके दिखाई दे सकता है, और आपको रियल डायग्राम अगर देखना है इस तरीके, देखिएगा ये, देखिएगा एक साइड में लोब है और बीच में क्या है? कम्युनिकेशन है। इसका मतलब ये क्या है? प्लेसेंटा सक्शन चूरिटा। क्या है? प्लेसेंटा सक्शन चूरिटा। देखिएगा,
क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें कि ये जो एक्सेल लोब है ये रिटेन क्या दिक्कत करवा सकता है, रिटेन फॉलोइंग बर्थ ऑफ द प्लासेंटा अंदर रह सकता है और इसके अंदर रहने की वजह से क्या हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, पीपीएच क्या हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज वाली कंडीशंस देखने मिल सकती है और ये इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंट है। ये चीज आपको समझनी है। बिल्कुल कल क्लास नहीं हुई थी, परसों भी नहीं हुई थी, लास्ट क्लास मेरी ही थी, प्लेसेंटा की नॉर्मल एनाटॉमी की बात की थी, आज अबनॉर्मलिटी की बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि द प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटी इन विच ए थिन फाइब्रस रिंग इज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द कॉर्निक प्लेट वेयर द फीटल वेसल्स अपीयर टू टर्मिनेट इज। अपरा संबंधी ऐसा मान्यता है जिसमें कॉर्निक प्लेट के मार्जिन पर एक पतली रेशेदार वलय मौजूद होती है जहां भ्रूण वाहिकाएं समाप्त होती दिखाई देती है। ऑप्शन ए कह रहा है सर्कमवेलेट प्लेसेंटा, ऑप्शन बी कह रहा है प्लेसेंटा मेम्ब्रेन्सा, ऑप्शन सी कह रहा है प्लेसेंटल मार्जिनेटा एंड ऑप्शन डी कह रहा है प्लेसेंटा स्पूरिया। आंसर कीजिएगा, क्या लगता है आपको, क्या प्लेसेंटा की अबनॉर्मलिटी समझ पा रहे हो आप लोग? एक्स्ट्रा लोब प्रेजेंट मैन प्लेसेंटल एंड ब्लड वेसल्स आर सेपरेट। बिल्कुल सक्सेंचुरेटा में प्रेजेंट होती है, सेपरेट लोब होता है। बिल्कुल आंसर कीजिएगा, यहां क्या लगता है आपको? अलग अलग आंसर आए हैं, किरण लोथिया, संगीता, सोनम पांडे, रंजना साहू। रचना पटेल, अलग अलग आंसर है इसका, मतलब ये थोड़ा मामला गड़बड़ है। मधु पटेल, वेरी गुड मॉर्निंग। अनुजा, नो आइडिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिनको आइडिया नहीं उनको हम आइडिया देंगे। फिलहाल आप, आपको जो लगता है वह आप बताएं। यहां भी यही कहा जा रहा है कि ये प्लेसेंटा जो है इसके किनारों पे मार्जिन जो है, किनारों की अगर बात करें, इस किनारों पे क्या है, फाइब्रस रिंग है। क्या है? फाइब्रस रिंग है जो कि थिक नहीं है, कैसी है, थिन है, थिन टाइप की रिंग है। कहाँ पे? किनारों की तरफ प्रेजेंट है, कॉर्निक प्लेट की तरफ, जहां से फीटल वेसल्स ऐसा लग रहा है कि टर्मिनेट होती हुई नजर आ रही है। थिन फाइब्रस रिंग प्रेजेंट एट द मार्जिन। अच्छा हाँ, जिसको जो जो लगता है बता सकता है। चंद्रेश ठाकुर, वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं पता, जिनको नहीं पता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला ही है एक्चुअली, थोड़ा सा फर्क है, जब समझ लोगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आपको डायग्राम भी बताएंगे किस तरीके का दिखाई देता है। बिल्कुल पहले आप लोग अपना आंसर बता दीजिएगा कि यह लगता है। चलो अब बताओ किसको लॉक किया जाए। रचना पटेल ने सी को लॉक करवाया है, आप में से कोई और जो रचना की इस लॉक को तोड़वा के किसी और पे लॉक करवाना चाहता है? सभी का आंसर आना चाहिए, जितने लोग भी मैं लाइव देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आप ही लोगों को बोल रहा हूँ। नहीं डरेंगे सर, चलो मैं डरा ही कह रहा हूं। सुनित सोनी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का, प्लेसेंटा मार्जिनेटा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम? प्लेसेंटा मार्जिनेटा, सी करेक्ट आंसर है। एक बात आपको समझनी है कि प्लेसेंटा जिसका नाम है प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियलिस, क्या नाम है? प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियलिस, उसके अंदर दो टाइप के प्लेसेंटा है, एक प्लेसेंटा सर्कमवेलेट और एक प्लेसेंटा मार्जिनेटा। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, देखिएगा। चलो देखिएगा, तो सर्कमवेलेट के अंदर क्या है कि जो आउट वाली डबल फोल्ड वाली मेम्ब्रेन रहती है जनरली और थिक रहती है, सेंटर वाला पार्ट क्या रहता है, डिप्रेस रहता है। लेकिन मार्जिनेटा के अंदर क्या रहती है, जो फाइब्रस जो रिंग है वो थिन टाइप की रिंग रहती है। कैसे रहती है? बहुत ही पतली रिंग रहती है, डबल फोल्ड का चांसेस बहुत कम रहते हैं यहाँ पे। मनोज साहू, वेरी गुड मॉर्निंग। दोनों का बड़ा फर्क है, बाकी अपन पढ़ चुके हैं स्पूरिया क्या होता है, मेम्ब्रेन से क्या होता है, ये चीज पढ़ चुके हैं। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिएगा प्लेसेंटा का टाइप जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियलिस, प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियलिस।
ये जो प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियस होता है ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। देखिए पहले का टाइप है सरकम वेलेट प्लेसेंटा। सरकम वेलेट प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है? तो फीटल सरफेस जो है उसका सेंट्रल पार्ट क्या रहता है? डिप्रेस रहता है। ये देखिएगा फीटल सरफेस। फीटल सरफेस का मतलब क्या है कि ऐसी सरफेस जहां पे क्या अटैच हो, अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच हो, उसके सेंटर वाला पार्ट जो है वो क्या है? धंसा हुआ है, डिप्रेस है। पहली खासियत, डिप्रेस जोन सराउंडेड बाई थिकन, क्या है? मोटी थिक वॉल है, व्हाइट रिंग की डबल फोल्ड, ये याद और रखना है, क्या है? डबल फोल्ड की फाइब्रस रिंग है। ये जो आपको साइड में रिंग दिखाई दे रही है ये रिंग कैसी है? एमिनियन और कोरियन की डबल फोल्ड वाली है, और डबल फोल्ड होने के कारण ये क्या है? थिक टाइप की होगी। क्या हो गई? ये थिक हो गई, ये काफी मोटी, और मोटी होने के कारण फीडल साइड की साइड से ये सेंटर में क्या होगी? डिप्रेस होगी। और इस प्रकार का प्लेसेंटा किसका टाइप है? प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियलिस के अंदर प्लेसेंटा सरकम वेलेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सरकम वेलेट के नाम से। चलो तो क्या क्या बातें याद रखनी है कि फिटल वाली सरफेस के अंदर सेंटर वाला पार्ट डिप्रेस रहता है, सराउंडेड में थिक क्या रहती है? रिंग रहती है, डबल फोल्ड होता है किसका? एमनियन और कोरियन का। चाहे डबल फोल्ड की लैंग्वेज लिख के पूछा जा सकता है, थिक रिंग के बारे में पूछा जा सकता है, सेंट्रल पार्ट डिप्रेस, इनमें से कोई भी करेक्टरिस्टिक देख के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपना आंसर गलत नहीं होना चाहिए, अपना आंसर क्या होना चाहिए? सरकम वेलेट प्लेसेंटा। दूसरा फर्क देखिएगा, दूसरा है प्लेसेंटा मार्जिनेटा। पहली ही लाइन क्या है? थिन रिंग कैसी है? थिन फाइब्रस रिंग है, प्रेजेंट एट द मार्जिन। मार्जिन के ऊपर, मार्जिन के ऊपर क्या है ये देखिएगा, मार्जिन के ऊपर देखें तो हल्की सी थिन फाइब्रस टाइप की रिंग प्रेजेंट होती है, और ये किसको इंडिकेट करती है? मार्जिन। इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसको? मार्जिनेटा। क्या बोलेंगे? मार्जिनेटा। पर इसकी लेंथ काफी ज्यादा होने के कारण हमने क्या देखा? सेंट्रल वाला पार्ट डिप्रेस टाइप दिखा देगा, डबल फोल्ड है एमनियन एंड कोरियन के, ये रिंग कैसी है? फाइब्रस टाइप की रिंग है। तो प्लेसेंटा सरकमवेलेट और मार्जिनेटा के बीच में बड़े गैप को आपको समझ में आना चाहिए। चलो अब अगर बात करें इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंट की, तो ये क्या करते हैं? देयर इज इंक्रीज चांस ऑफ, इसकी वजह से ज्यादा रिस्क क्या रहती है? अबॉर्शन होने की। एक तो क्या होने की? अबॉर्शन, और दूसरा APH एंटी पार्टम हेमरेज होने की रिस्क रहती है इन प्लेसेंटा की वजह से। मेम्ब्रेन इस तरीके की होने की वजह से, किनारों इस तरीके होने की वजह से इनका अटैचमेंट ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाता। अबॉर्शन होने के रिस्क या फिर ब्लडिंग करवाने का एंटी पार्टम हेमरेज की रिस्क रह सकती है। दो बड़े डिफरेंस आप लोगों के माइंड में क्लियर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, द प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटी इन विच द एसेसरी लोब इज डेवलप फ्रॉम द एक्टिवेटेड विलाई ऑन द कोरोनिक प्लेट विदाउट कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड प्लेसेंटल असामान्यता, जिसमें रक्त वाहिकियों को संचार किए बिना कोरियोनिक छुट्टी पर सक्रिय विलाई से सहायक लोब विकसित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, बिल्कुल ऑप्शन ए प्लेसेंटा सक्सेंचुरिटा, ऑप्शन बी प्लेसेंटा स्पूरिया, ऑप्शन सी प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियलिस, एंड ऑप्शन डी प्लेसेंटा मार्जिनेटा। आंसर कीजिएगा, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए आंसर? किसको लॉक किया जाए? पहला ही आंसर राम सिंह का, क्या बात है राम सिंह। दूसरा आंसर जो चेंज कर दिया है किरण लोथिया ने। तीसरा आंसर चेंज कर दिया है संजीव ने। और कोई? ए बी सी आ चुके हैं, वक्त है डी का, इंतजार डी का। सर साइड प्लीज, ये लो।
चेंज नहीं किया, आई मीन ये कि पहले आंसर किसी ने ए दिया उसके बाद आपने बी दे दिया, ऐसे बोला, चेंज नहीं किया। किसको लॉक किया जाए? आप में से जो लोग अलग आंसर दे रहे हैं ना, और जब मैं आंसर करेक्ट बताऊं तब खुद को थोड़ी ना 3-4 थप्पड़ मारना ऐसे, ताकि पता तो चलना चाहिए ना कि आप लोगों का ध्यान कहाँ है। ये वही है जो मैंने ऑलरेडी पीछे पढ़ा दिया है, ऑलरेडी पीछे पढ़ाने के बाद, रिसेंटली आज ही पढ़ाने के बाद, कुछ क्षण पहले पढ़ाने के बाद भी अगर आप लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग आंसर दोगे तो एक थप्पड़ तो बनता है। खुद को ही मारो कि बोलो मैं कहाँ हूँ, थोड़ा कॉन्शियस हो जाऊँ, वरना जॉब का पता नहीं लग सकता अपने को। पता नहीं, जस्ट रिसेंटली मैंने बताया था कि ये देखिए ये है प्लेसेंटा, इस प्लेसेंटा से एक लोब दूर की तरफ हो जाना, अगर उसमें कम्युनिकेशंस प्रेजेंट है तब तो कहलाएगा सक्सेंचुरेटा, और अगर उसमें कम्युनिकेशंस अब्सेंट है तब कहलाएगा प्लेसेंटा स्पूरिया। ये जस्ट अभी समझाया, और यहां एक लाइन लिखी हुई है कि लिव विदाउट कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स, का मतलब क्या है कि कम्युनिकेशंस नहीं है साहब, संबंध नहीं है, यहां संबंध खराब है, रिश्ते टूट चुके हैं, ब्रेकअप हो चुका है इनका। कहने का मतलब क्या, ऐसी कंडीशंस को क्या बोलते हैं, तो जस्ट अभी हमने बताया। तो जो जो लोग ए की तरफ जा रहे थे, कुछ लोग सी की तरफ जा रहे थे, डी की तरफ कोई गया नहीं, तो ए और सी वाले खुद को मारो मारो, बहुत अच्छे। ओके, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या है, बी स्पूरिया आपका क्या है करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने क्या कहा था, यहां पे क्वेश्चंस खुद कह रहा है कि यहां साहब कोई कनेक्शंस नहीं है हमारा, अगर कनेक्शंस होता तब हमारा आंसर होता ए, आपने पढ़ा ही नहीं। विदाउट बोला है यहां पे, विदाउट कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स, यहां पे ब्लड वेसल्स का कम्युनिकेशंस नहीं है, और जब ब्लड वेसल्स का कम्युनिकेशंस नहीं है तब हम क्या आंसर देंगे, बिल्कुल तब हमारे पास आंसर क्या रहेगा, बी। हाँ, मारो मारो खुद को मारो, बहुत अच्छे। चलो अब देखिएगा, सक्सेंचुरेटा के बारे में पढ़ चुके हैं, स्पूरिया के बारे में पढ़ चुके हैं, एक्स्ट्रा कोरियोलिक को दो पार्ट में बांटा, एक को बोला सर्कमवेलेट, एक को बोला मार्जिनेटा, एक को बोला सर्कमवेलेट, एक को बोला मार्जिनेटा। मार्जिनेटा के मार्जिन पे क्या देखा था, फाइब्रस की रिंग देखी थी पतली सी, सर्कमवेलेट के अपन देखा था किनारों की तरह पर डबल लेयर की, डबल लेयर किसकी थी, एमनियन और कोरियम की, सेंटर वाला पार्ट क्या था, डिप्रेस था, ऐसा अपन ने देखा था कहां पे, सर्कमवेलेट के अंदर। इसका मतलब क्या, एक्स्ट्रा कोरियोलिक पढ़ चुके हैं, उसका ही टाइप है मार्जिनेटा, ये भी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात, जब हर एक चीज पढ़ रहे थे उसके बाद भी आपका एक्स्ट्रा कोरियोलिक करना, आपका सक्सेंचुरेटा करना, अपने आप में ये दर्शाता है कि आपको अभी फिलहाल आंखें खोल के ध्यान से चीजें और पढ़ने की जरूरत है। चलो, जिनका राइट है बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन से आप लोगों से इमेज बेस्ड एमसीक्यू। इस इमेज को गौर से देखिएगा, घूरिएगा अच्छे से और नजर लगा दीजिएगा इसको, और फिर नजर लगा के पता कीजिएगा कि ये क्या है। फाइंड आउट टाइप ऑफ अबनॉर्मलिटीज इन प्लेसेंटा, इस प्लेसेंटा के अंदर आपको क्या गड़बड़ लगती है, ये दया वाला सवाल है, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो दया आप बताएं कि इसमें गड़बड़ क्या है। प्लेसेंटा में असमानताओं के प्रकार का पता लगाएं। ऑप्शन ए, क्या ये प्लेसेंटा जो है वो प्लेसेंटल फेनेस्ट्रेटा है। ऑप्शन बी, क्या ये रिंग शेप का प्लेसेंटा है। ऑप्शन सी, क्या ये फुरकेट प्लेसेंटा है। एंड ऑप्शन डी, क्या ये बाइलोबेट प्लेसेंटा है। अब ये है आप पे, आप पता करके बताएं कि क्या मामला लगता है आपको। आंसर कीजिएगा, बैटल डोर, कमाल है यहां पे बैटल डोर आंसर ऑप्शन में कहां है मुझे वो बता दीजिए। राम सिंह डिलीट कर दिए, समझदार इंसान हो, बहुत अच्छे। वंदना सिंह, सॉरी वंदना निषाद, रंजना साहू, संजीव राजपूत, मोनिश, किरण लोथिया, क्या बात है। फिलहाल हमारे पास आंसर आ चुके हैं, ए भी आ चुका है, सी भी आ चुका है, डी भी आ चुका है, किरण लोथिया ने डी किया है, मुझे नहीं पता सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रीवा,
आर नाम वाला को वैसे क्यों पता होता, मेरे को भी नहीं पता, ये तो नहीं पता सर, अर्चना पटेल को भी नहीं पता, चलो आर के बाद यही आता है। सोनी यादव नहीं पता, ए तुक्का है। चलो तुक्का मारना तो आता आपको कम से कम। नो आइडिया गुरुदेव, कोई इश्यू वाली बात नहीं, हम बताएंगे ना, आइडिया हम देंगे। अलग अलग आंसर और मोस्टली ए। प्रियंका यादव सी, रवि रॉय सी, क्या बात है, सी वालों को ये ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है या ये भेड़ चाल से अलग होना चाहते हैं इसलिए। राम सिंह ए, पूजा सरोज नहीं पता, तो गुस्सा क्यों करो, नहीं पता तो मेरी गलती क्या, नहीं पता तो क्लास लेने के बाद नहीं पता हो तो फिर बोलना, अभी से गुस्सा कर रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा है। क्या पता, खुद की तारीफ नहीं करते मैं। चलो हाँ, तो सबका हो गया फाइनल, जितने लोग थे आंसर अलग। रंजना साहू, रंजना मुझे लग रहा है गूगल से लौट के आ रहे हैं। हाँ तुक्का लगा के ट्राई कर लो, आपको पता तो लगेगा आपका तुक्का कितना सही होता है, क्योंकि आज जो ऑप्शंस में सारे दे चुके आपने, कोई नहीं छोड़ा, इसका मतलब कोई बड़ा सेंस नहीं ले सकता। ए लग रहा है पर श्योर नहीं हो, क्या बात है, आपको लग रहा है, ऐसे लग कैसे रहा है, किस बेस पे लग रहा है, आप दीपा बताना चाहेंगे कि सर इस बेस पे लग रहा है। कोई बात नहीं, आपको अफसोस है, हम आपके अफसोस की रेस्पेक्ट करते हैं। सामी वेरी गुड मॉर्निंग, नहीं सर जी क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, अगर आपको फिर पता है तो, जस्ट मजाक कर रहा हूँ, कोई सीरियस ना ले, क्या बात है। चलो देखिए, तो आज के इस सेशन के अंदर ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन था, आई थिंक थोड़ा हटके क्वेश्चन था। अंगूठी वाला तुक्का नहीं, नहीं चलो देखिए, अब देखिएगा यहाँ पे आपको इस प्लासेंटा को देखना है, और उसमें जो आज के इस क्लास में जितने लोग देख रहे हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन ने ए आंसर दिया है, मैक्सिमम लोगों ने ए आंसर दिया है। तो ए का मतलब होता है कि प्लासेंटा फेनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, कि ये जो प्लासेंटा है वो कैसा है, छेदीलाल, कैसा है, ऐसा प्लासेंटा जिसके अंदर बहुत सारे छेद हो, मतलब क्या कि छेदीलाल वाला जो प्लेसेंटा है ना, उसको अपन बोलते हैं प्लेसेंटा फेनिस्ट्रेटा। और जहां तक मुझे देखने को मिल रहा है, यहां पे ऐसा कोई भी छेद देखने को नहीं मिल रहा है, पता नहीं आपने कौन से माइक्रोस्कोप से इसको देखा है कि आपको इतने सारे इसमें छेद दिखाई दे रहे हैं, छेद तो मेरे को नहीं दिख रहा है। ये छेदीलाल वाला प्लेसेंटा है ना, छेदीलाल फेनिस्ट्रेटा मतलब क्या, छेदीलाल वाला प्लेसेंटा, वो डायलॉग है ना कि इतने छेद करेंगे, कहां से डॉट डॉट करोगे और कहां से डॉट डॉट करोगे, समझ नहीं आएगा। मैं डॉट डॉट ही बोल सकता हूं, पूरा नहीं बोल सकता, लेकिन लेकिन आप लोगों ने इसमें जितने छेद किए हैं ना, मुझे लग रहा है कि ये अब कैपेबल नहीं है बेबी को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए। इसका मतलब क्या है कि ए तो कंप्लीटली रॉन्ग है। चलो दूसरा जो ऑप्शंस दिया था, एक ने तुक्का मारा था, बोला था रिंग शेप प्लासेंटा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी अंगूठी कौन पहनता है, ऐसी अंगूठी देखने को मिली है कहीं पे इस तरीके से। चलो इसका मतलब क्या है कि अंगूठी का लेना देना तो मैच ही नहीं खाता। चलो नेक्स्ट देखिएगा, एक किसी ने आंसर किया था बाई लोबेट, बाई लोबेट का मतलब नाम से पता चल रहा है कि लोब जो है ना वो बाई है, बाई का मतलब क्या है, लोब मल्टीपल है, मतलब प्लेसेंटा दिख रहा है लेकिन उसके अंदर लोब कितने दिख रहे हैं, दो लोब देखने को मिल रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, बाई लोबेट प्लेसेंटा। और यहां पे मेरे को आई थिंक लग रहा है कि कहीं पे बाई लोबेट तो नहीं है, इसका मतलब ले दे के एक ही बचा, और वो क्या है, फुरकेट प्लेसेंटा, क्या है, फुरकेट प्लेसेंटा, सी यहां पे करेक्ट आंसर है। बहुत कम लोगों ने सी किया है, पर जिन्होंने सी किया है बहुत अच्छी बात है, उनका करेक्ट आंसर है बिल्कुल। फुरकेट प्लेसेंटा क्या होता है देखिएगा, तो जब हमने अम्बिलिकल कॉर्ड पढ़ी तो हमने क्या कहा था, इसके अंदर क्या होता है, एक तो अम्बिलिकल आर्टरीज और एक अम्बिलिकल वेन्स, नंबर में अम्बिलिकल आर्टरी कितनी होती है, दो, और अम्बिलिकल वेन कितनी होती है, एक, ये रहती है। उसके अलावा आपने कहा था एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, इसको हमने बोला था एक जेली जिसका नाम था वाटसन जेली,
और ये जो जेली है ये जब कोड एंडिंग पे आ रही है इस टाइम इस पे जेली का क्या होना, अपसेंट होना और साफ साफ आपको खुली खुली दिखाई दे रही है। ये जो ब्लड वेसल्स है अच्छे से आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, इसकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वह क्या है, अपसेंट है। और ऐसा किसमें देखने मिलता है, ऐसा देखने मिलता है फुरकेट प्लासेंटा के अंदर। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना अपना राय है, कुछ लोग बताते हैं कुछ लोग नहीं बताते हैं, पर अल्टीमेटली यहां आपने एक चीज नोट की, गूगल से लौट के भी आएगा ना तो कुछ सीख के ही आएगा, इस प्लेसेंटा को कम से कम याद तो रहेगा, भूलेगा तो नहीं, यही मोटो है। चलो जिनका करेक्ट है बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा वन बाय वन सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला है बाइलोबेट प्लेसेंटा, इसका मतलब क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है। यहां से आप देखोगे तो एक लोब आपको ये दिखाई दे रहा है और दूसरा लोब आपको ये दिखाई दे रहा है, और ऐसा प्लेसेंटा क्या कहलाता है, बाइलोबेट प्लेसेंटा कहलाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, तो बाइपैरेटेड प्लेसेंटा, क्या कह सकते हो, बाइपैरेटेड प्लेसेंटा के नाम से भी जाना जा सकता है, या इसको दो लोब होने की वजह से क्या कह सकते हैं, प्लेसेंटा डुप्लेक्स। एग्जाम में कभी पूछे इमेज देखिए कि ये कैसा है, और ऑप्शन के अंदर अगर डुप्लेक्स ऑप्शंस में हो तब भी अपने को आंसर देना है कि ये देखिए दो लोब वाला प्लेसेंटा दिखाई दे रहा है, इसको अपन बोलेंगे प्लेसेंटा डुप्लेक्स या फिर बाइलोबेट प्लेसेंटा या फिर बोलेंगे बाइपैरेटेड प्लेसेंटा। चलो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा प्लेसेंटा कंटेनिंग टू और मोर लोब्स, अगर दो की बजाय क्या हो, दो से ज्यादा लोब हो, तो ये हालांकि होता बहुत रेयर है लेकिन इसको हम बोलते हैं मल्टी लोबेट प्लेसेंटा, क्या बोलेंगे, मल्टी लोबेट प्लेसेंटा। तो लोब के आधार पे भी इनका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया गया है। चलो हाँ रजना आप नहीं गए, हम मानते हैं आप नहीं गए, ऐसा नहीं है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, जस्ट मस्ती मजाक के रूप में, माइंड ना करें। देखो जो गया जो नहीं गया तो खुद पे है, पर कोई इस वाले बात नहीं, अल्टीमेटली हमें इन चीजों को सीखना है और वो हम कर रहे हैं, वही मोटो होना चाहिए, बाकी कहां गए कहां नहीं गए डजंट मैटर। चलो नेक्स्ट देखिएगा प्लेसेंटा फेनिस्टेटा, और अगर आप इस प्लेसेंटा को देखोगे तो आपको इसके अंदर बड़े बड़े बेड सोर की तरह बड़े बड़े छेद दिखाई देंगे, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये है प्लेसेंटा छेदीलाल। ये क्या है, प्लेसेंटा छेदीलाल। तो ये जो प्लेसेंटा है इसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा फेनिस्टेटा, इन विच ए पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटल टिश्यू इज थिन और अब्सेंट। कुछ कुछ जगह पे प्लेसेंटा का जो टिश्यू है वो या तो क्या हो जाएगा, थिन, और या क्या हो जाएगा, अब्सेंट। जब अब्सेंट हो जाएगा बीच में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गोल गोल लाडू नहीं गोल गोल छेद बन जाएंगे, बिल्कुल। रानी वेरी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल रंजना को टॉपिक मिलनी चाहिए। चलो तो प्लेसेंटा छेदीलाल को समझना आप लोगों को। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगर बात करें फुरकेट प्लेसेंटा की, और वो हमने अभी पढ़ा था फुरकेट प्लेसेंटा क्या होता है, तो इंसर्शन साइट जो होती है ना वो तो नॉर्मल होती है, मतलब कहां अटैच तो सेंट्रल से ही है, अटैचमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, पर जो अम्बिलिकल वेसल्स है वो लूज कर देती है, लॉस कर देती है अपना, क्या कर देती है, लॉस, क्या लॉस कर देती है, देयर प्रोटेक्टिव वाटसन जेली, वो अपनी जेली को खो देती है, जो इसको रक्षा करने का काम करता है उस जेली को खो देती है शॉर्टली बिफोर इंसर्शन। कब खो लेती है, जब इंसर्शन होती है उसे जस्ट पहले की तरफ, और यहां आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इसने प्रोटेक्टिव लेयर क्या कर चुकी है, खो चुकी है। वेसल्स आर कवर्ड बाय ओनली एमनियन, जिसको अपन बोलते हैं वेनरेबल टू द कंप्रेशंस, और यहां ज्यादा रिस्क रहती है कंप्रेस होने की, क्योंकि क्या है कि एक्चुअली ब्लड वेसल्स को कंप्रेस नहीं होने दे रहा, कौन नहीं दे रहा है, तो जेली कंप्रेस नहीं होने दे रही, एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रही है, लेकिन अगर जेली नहीं होगी तो ऐसी कंडीशंस के कंप्रेस होने के चांसेस ज्यादा होंगे, और जब कंप्रेस होगा तो सिंपल सी बात है ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं पहुंच पाएगी, और उस वजह से दिक्कत देखने को मिल सकती है। मोनिश वेरी गुड मॉर्निंग, अब ले ली ठीक है, चलो नाराज नहीं होते, समझदार हो, सबकी गुड मॉर्निंग लेता हूं, आते ही ले लेता हूं, पर कुछ लोग इतने नालायक है जब तक उनका नाम नहीं लो ना उनको चैन नहीं होता, कंटिन्यू ठोके जाते हैं, उन्होंने गुड मॉर्निंग के मैसेज को कॉपी कर रखा होता, बोला जब तक रिप्लाई नहीं करोगे ना सर हम जाने देंगे, कंटिन्यू पेस्ट ठोकते जाते हैं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट।
चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोगों का प्यार है। नेक्स्ट अगला है रिंग से प्लासेंटा। रिंग से प्लासेंटा कैसा, एक्चुअली ये देखिए रिंग की तरह आकर दिखेगा, गोल गोल आकर किस तरह दिखेगा, तो एनुलर इन शेप या फिर इसको क्या कह सकते हैं, मे बी हॉर्स शू शेप का प्लासेंटा। कैसा है, घोड़े के जूते के जैसा भी हो सकता है, इस तरीके दिखाई देगा। क्यों है ऐसा, क्योंकि जो प्लासेंटल रिंग है इसकी, उस प्लासेंटल रिंग की क्या होगी है, एट्रोपी होगी है। प्लासेंटल रिंग की क्या होगी, एट्रोपी। और प्लासेंटल रिंग की एट्रोपी होने के कारण कंप्लीट रिंग ऑफ द प्लासेंटल टिश्यू मे बी प्रेजेंट। प्लासेंटल रिंग का कंप्लीट टिश्यू में भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ऐसी कंडीशन ज्यादातर कहां देखने मिलती है, या तो आपको देखना है कहां, एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज में देखने मिल सकती है, या फिर पीपीएच में पोस्टपार्टम हेमरेज में, या फिर आईयूजीआर इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशंस के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। चलो तो ऐसा क्या है रिंग शेप का प्लेसेंटा देखने को मिलेगा, बिल्कुल। तो ये अबनॉर्मलिटी थी किसकी, प्लासेंटा की, कि प्लासेंटा रिंग शेप क्या होता है, फेनेस्ट्रेट क्या होता है, बाइलोबेट क्या रहता है, ड्यूप्लेक्स किसे कहते हैं, फुरकेट किसे कहते हैं। नहीं नहीं आपने नहीं किया, आपने नहीं किया मोनिश, जस्ट मैं मजाक कर रहा हूं, आप कोई बात को सीरियस ना लिया करो, आपने नहीं किया। चलो तो इस प्लासेंटा के अंदर आपको कोई दिक्कत, मैंने पढ़ा है संजीव, बहुत अच्छी बात है, आप मुझे लग रहा सीरियस लेके चले गए आज। चलो पढ़ा है, पढ़ना भी चाहिए बिल्कुल, और क्लास से पहले पढ़ के आना चाहिए आप लोगों को। प्लासेंटा के अंदर कोई इश्यू, ऐसा कोई टाइप जो आपको समझ नहीं आया हो, एनीवन, कोई बताना चाहेगा कोई प्लेसेंटा का कोई टाइप जो आप लोगों का क्लियर नहीं है, जो समझ नहीं आया, हम सारे टाइप पढ़ चुके हैं, सारे क्लियर है, ऑल क्लियर, श्योर, गलती नहीं करोगे, चाहे मार्जिन का पूछा जाए, चाहे मेम्ब्रेन का पूछा जाए, चाहे बेटल डोर का पूछा जाए, चाहे विलेमेंटस का पूछा जाए, चाहे कम्युनिकेशन अब्सेंट हो, चाहे कम्युनिकेशन प्रजेंट हो, अब्सेंट हो तो स्पूरिया, प्रजेंट हो तो सक्सेंचुरिटा, सब क्लियर है, जितने भी टाइप है, एक्स्ट्रा एडिशनल वाले भी, नॉट इजी, रिवाइज इजी नहीं है ये, गलतियां करवाता है एग्जाम में ये। और श्योर प्लासेंटा से एमनियोटिक फ्लूइड से एग्जाम के अंदर, हर एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चंस तो पक्के ही आने हैं, ये नहीं आएंगे तो प्लासेंटा नाराज हो जाता है, फिक्स है, आने आने ही है, क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, और एमनियोटिक फ्लूइड से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कितना बनता है, कब बनता है, क्या क्या कंपोजिशंस होता है, अबनॉर्मल कलर क्या रहते हैं, कितना एब्जॉर्ब हो जाता है, कितना फीडल सोलो कर लेता है, कितना बाहर निकाल लेता है, पॉलीहाइड्रोमनियोज कब हो जाता है, ओलिगो कब हो जाता है, एक बार फिर से कमाल, इतना सारा एक बार फिर से, कोई बात नहीं, अपने को जस्ट कंटेंट पे फोकस करना है, माइंड ना करें आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा एमनियोटिक फ्लूइड, और एमनियोटिक फ्लूइड के बाद में फिर अपन पढ़ेंगे पेल्विस वगैरह के बारे में। चलो तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, चीजें क्लियर हुई होगी, अपनी क्लास थोड़ी सी डिले होगी, और एमनियोटिक फ्लूइड एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है जो आज की क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि एक सेपरेट क्लास हो एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू मोनिश। चलो तो पढ़ाई कीजिएगा, कल एमनियोटिक फ्लूइड को पढ़ के आइएगा, कल की क्लास ठीक 9:15 पे हम मिलेंगे। सभी का धन्यवाद, इस तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, मिलेंगे आप लोगों की प्यारी सी स्माइल और प्यारी सी एनर्जी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।